आज करेंगे लवासा के इस सुंदर से रिसोर्ट की सैर और हमने यहाँ पर हमारा जो टाइम है कैसे स्पेंड किया सब कुछ देखेंगे। बने रहना वीडियो के अंत तक। ठीक है ये तो मुंह देखो इसका जैसे ही इसके पास कैमरा लेके गई कितना अच्छे से पॉज दिया इसने, आवाज भी दी मुझे। जब ये ड्रोन हम उड़ा रहे थे तो पता नहीं मैंने ये सोचा कि इतने लंबे जाएगा वापस, पता नहीं आएगा कि नहीं, मतलब कुछ अजीब सा ही मुझे तो लग रहा था। सोच रही थी कि बस खो दिया अब ये ड्रोन वापस नहीं आने वाला, लेकिन जल्द ही ये रियलाइज भी हो गया कि ऐसा कुछ नहीं रहता, इसमें सारे कंट्रोलिंग ऑप्शंस रहते हैं और हम जहां भी खड़े रहते हैं वहीं ये अपने आप वापस आ जाता है, बस बैटरी इसकी फुल चार्ज होनी चाहिए। तो ये देख के थोड़ा सा अच्छा लगा, जान में जान आ गई मेरे। ड्रोन से कुछ सुंदर से नज़ारे हमने कैच किए और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करने के लिए। यहाँ रिसोर्ट के रिसेप्शन के बाहर के साइड में भी बहुत यहाँ से सुंदर सा नज़ारा ये दिख रहा था और यहाँ से नीचे की साइड एक स्लोपिंग सा रास्ता है जहाँ पर इस तालाब के नज़दीक बिल्कुल हम पहुँच जाएंगे और वहाँ पर कैंपिंग साइट है इस रिसोर्ट का। यहाँ के जो मैनेजर है उनका कहना है कि यहाँ पर कैंपिंग के लिए नवंबर दिसंबर में कई लोग आते रहते हैं और इस नज़ारे का मज़ा उठाते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ से नीचे हम उतरकर बिल्कुल नदी के पास में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर कैंपिंग साइट है इस रिसोर्ट का। इतना कूल और इतना शांत और इतना सूदिंग सा एक्सपीरियंस था ये। कोई बीमार आदमी भी यहाँ पर आकर कुछ दिन रुके अगर तो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर ही घर वापस लौटेगा। ये देखिए गाइज, ये जो छोटा सा इनका ग्राउंड यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर टेंट्स लगाते हैं ये लोग। इस वीडियो में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कितना कूल और कितना सूदिंग सा लग रहा है ये। जो सामने की साइड आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर में कुछ बंधा हुआ है यहाँ पर, ये इनके वॉशरूम और बाथरूम्स यहाँ पर बने हुए हैं। जो कैंपिंग के लिए यहाँ पर लोग रुकते हैं तो उनके लिए स्पेशली ये कंस्ट्रक्ट किए हुए यहाँ पर वॉशरूम और बाथरूम। देखो ये बिल्ली यहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा इसने, मैं जहाँ भी जाती हूँ हर जगह मेरे पीछे पीछे ही रहती है ये बिल्ली और अपनी मस्ती में रहती है। स्टाइल देखो इसकी जैसे ही इसके पास कैमरा लेके गई कितना अच्छे से पॉज दिया इसने, आवाज भी दी मुझे। है ना गाइस, बिल्कुल सुंदर, बहुत अच्छी प्लेस है यहाँ पर चिल करने के लिए। और यहाँ पर आने के बाद हमें कहीं और बाहर घूमने जाने का मन ही नहीं किया, ऐसा लगता है इतना सुंदर, अगर यहाँ पर ही एटमॉस्फेयर इतना सुंदर है तो और कहीं क्यों जाना। दोपहर के लंच के बाद में कुछ देर आराम करने के बाद शाम का वक्त हम यहाँ पर स्पेंड किए। गाइज ये वीडियो अगर आप एंजॉय कर रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप भी यहीं पर हो तो यही तो मेरे वीडियोस का मेन मोटिव रहता है। मैं इस तरह से प्रेजेंट करती हूँ वीडियोस को कि सामने वाले जो भी देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स उनको यही फील हो कि वो भी उस टाइम उसी जगह पर है और एंजॉय कर रहे हैं नेचर। तो मैं इसीलिए नेचर की वीडियोस इतने दिल से लगन से बनाती हूँ। प्लीज़ गाइस एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ऊपर का जो ऑल ऑप्शन है उस पर क्लिक करना ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी एक भी ट्रैवल वीडियो या कुकिंग वीडियो मिस ना करो। यहाँ से नीचे की तरफ जो कैंपिंग साइट आई हुई है वहाँ पर हम अभी गए थे जहाँ का नज़ारा मैंने आपको दिखाया और कैंपिंग साइट से हम लगभग 6:30 बजे के आसपास रूम पर वापस आ गए थे, लेकिन रूम में अंदर जाने का मेरा मन नहीं था तो मैं कुछ देर और यहाँ टहलना चाहती थी तो मैं गई गार्डन की तरफ।
देखो ये यहाँ पर गार्डन की तरफ मैं आई, वहाँ पर भी मुझे अकेले नहीं छोड़ रही है ये। पता नहीं क्या है, मतलब क्यों मेरे पीछे इतना ये लगी हुई है, जैसे मतलब कैसे, मतलब कुछ नेगेटिव कोई वाइब्स हो उनसे मुझे बचाना चाहती थी, या इसे कैमरे में आना अच्छा लगता है, ये क्या रीज़न था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा था, सिर्फ हाँ पहले दिन मैं थोड़ा सा डर गई थी, बट दूसरे दिन ठीक लग रहा था। मतलब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, कुछ डरने जैसा या रिस्की सा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और देखा आपने, जैसे मतलब मैं गार्डन के उधर से कुछ दिन घूम के यहाँ पर आई तो मेरे पीछे पीछे वापस आ गई यहाँ पर ये। मैंने सुना है कि बिल्ली को हम सहलाएं प्यार से तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, शायद ये चाहती है कि मैं इसे प्यार से सहलाऊं, गोद में उठाऊं और मतलब इसे बहुत लाड़ प्यार करूं इसे। तो एक्चुअली मेरा कैसा है ना गाइस, कि अगर अपनी पालतू वाली बिल्ली रहेगी तो उन्हें हम क्लीन रखते हैं। ये कैसा है ना कि स्ट्रे वाली थी तो मुझे भी पसंद है, बिल्लियाँ बहुत पसंद है, उन्हें छूना उन्हें गोद में उठाना बहुत पसंद है, लेकिन मतलब क्लीन चाहिए। ये कैसे मतलब स्ट्रे वाली थी तो इसलिए मेरा मन कर रहा था इसे उठाने का, लेकिन मैंने उठाया नहीं, तो मे भी शायद इसलिए भी ये पीछे पीछे घूम रही हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। देखिए कब से इस चेयर के आगे पीछे घूम के मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, ये कुछ ना कुछ नखरे करती रहती है पूरा दिन, कभी भी देखो इसको, ताकि हमें इस पर प्यार आ जाए और हम इसे अपनी गोद में उठाकर बहुत लाड़ प्यार करें। इन्हें भी कैसे समझ में आता है, जानवरों को भी समझ में आते हैं फीलिंग्स तो इनको भी रहते ही है। यहाँ के कैंटीन से हम जो भी खाना वगैरह मंगवाते थे इसे खिलाते थे साथ में हमारे, मे बी इसे लगाव हो चुका है हमसे और इसीलिए हमें अकेला नहीं छोड़ रही है, ये भी हो सकता है। दूसरे दिन आ रहा था सैटरडे और सैटरडे का फास्ट रहता है, तो हमने मंगवाई थी साबूदाना खिचड़ी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और तीसरे दिन सुबह गर्म गर्म पोहा और चाय हमने मंगवाए थे रूम पर, बहुत टेस्टी थे पोहा भी। और उसी दिन यानी कि तीसरे दिन हमें निकलना था मुंबई के लिए, घर के लिए रवाना। तो ये है गाइज इनकी रूम, आप देख सकते हो अंदर से रूम बहुत सुंदर बनाई हुई है इन्होंने, सिंपल सी रूम है लेकिन बहुत सुंदर है, सब कुछ वेल इक्विप्ड है और वेल फर्निश्ड था यहाँ पर, आप देख सकते हो गाइस। एक एक्स्ट्रा बेड भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया है। स्टूडियो रूम है तो यहाँ पर अटैच्ड है वॉशरूम, और वॉशरूम के बाहर इस तरफ वॉश बेसिन है, और ये छोटा सा कबर्ड इन्होंने दिया हुआ है जिसमें हम अपने वैल्यूएबल्स या कपड़े वगैरह रख सकते हैं। दो खिड़कियाँ हैं रूम में और एक एक्स्ट्रा बेड है, और यहाँ पर इस तरफ टी कैटल वगैरह है, और बाहर भी सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने की हुई है, एक टेबल और कुछ चेयर्स रखी हुई है। तो ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो बिल्कुल अच्छा और बेस्ट रिसॉर्ट मैं तो कहूँगी, बहुत सुंदर सा रिसॉर्ट है और सर्विस भी बहुत अच्छी है। और ये है उनका रिसेप्शन एरिया, यहाँ पर कुछ खेलने के लिए भी गेम्स वगैरह इन्होंने रखी हुई है, जैसे इंडोर और आउटडोर गेम्स के लिए भी कुछ ना कुछ सुविधाएँ इन्होंने की हुई है। और रिसेप्शन को अटैच्ड यहाँ पर इस तरफ है इनका किचन, जहाँ से ये हमारी मनपसंद चीज़ें हमारे लिए बनवाकर हमें रूम पर पहुँचाते थे। सर्विस बहुत अच्छी है गाइस यहाँ पर, स्विस लेक रिसॉर्ट नाम है इस रिसॉर्ट का, जो लवासा मेन सिटी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर यानी कि बाहर के साइड आया हुआ है। बहुत सुंदर सा रिसॉर्ट है ये, और आप देख सकते हो हमारी गाड़ी आ चुकी है हमें रिसीव करने के लिए, तो सारा सामान ऊपर लगा हुआ है। थोड़ी सी रिमझिम बारिश आ रही थी तो कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पर 3 दिन हम रुके लेकिन इतनी ज़ोरों में बारिश यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट लवासा मेन सिटी में भी इतनी ज़ोरों की बारिश नहीं थी, बस कुछ बूंदाबांदी सी होती रहती थी और कुछ देर होती और फिर बाद में बारिश बंद हो जाती, बस ऐसे ही चलता रहता है यहाँ पर। और गाइज एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो आपको कभी लवासा अगर आना हो तो आप ध्यान में रखिएगा कि पुणे से लवासा आते वक्त हमें ओला कैब मिल गई थी, क्योंकि पुणे में तो ओला की जो सर्विस है वो अवेलेबल है, बट लवासा से पुणे रिटर्न होने के लिए हमें ये जो गाड़ी है इस रिसॉर्ट के मैनेजर ने दिलाई थी, जिसके चार्जेस थे 2000 रुपये लवासा से पुणे तक के। बारिश की वजह से पूरा क्लाउडी सा वेदर यहाँ पर बन चुका था, जो इस नेचर की सुंदरता को और भी ज़्यादा निखार रहा था, जिसके मज़े हम लूटते लूटते रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। और ये घाट वाला रास्ता है, हिल स्टेशन है, तो घाट देखिए आप कितना सुंदर सा है ये,
हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत मुझे आ जाती है अगर घाट वाला रास्ता हो, बट इस बारे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि छोटा सा घाट था, ये ज़्यादा बड़ा घाट नहीं है। और दूसरी बात कि वेदर क्लाउडी सा था, धूप हो तो ज़्यादा हेल्थ में दिक्कत हो जाती है मुझे। कुछ 20-25 मिनट के अंदर अंदर तो हम घाट उतर कर नीचे सिटी में आ गए थे। लवासा से पुणे का बाय रोड जो डिस्टेंस है वो है लगभग 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर, और लगते हैं पहुंचने को 2 घंटे। पुणे से मुंबई की हमारी ट्रेन थी, जब पुणे सिटी के पास पहुंचने में बस 5 मिनट बाकी थी तभी हमें SMS आया कि हमारी ट्रेन और उसके बाद वाली सारी ट्रेन उस दिन के लिए कैंसिल हो चुकी है। कुछ सिग्नल रिपेयरिंग का जो रीज़न था हमें बताया गया था SMS में। तो पुणे सिटी से हमने दूसरी एक ओला कैब कर ली मुंबई रिटर्न होने के लिए। और गाइस, ट्रैवलिंग में कुछ खाना पीना मुझे पसंद नहीं है, फ्रूट्स खाना अच्छा लगता है, तो हमने यहाँ से ले लिए कुछ अमरूद जो बिल्कुल फ्रेश थे और टेस्टी तो थे ही। और ये जो आप देख रहे हो ये है सुंदर सा एक्सप्रेस हाईवे जो मुंबई पुणे को कनेक्ट करता है, और ऐसे कुछ टनल्स आते हैं रास्ते में जो बहुत फनी से है, मज़ेदार है। बच्चे ये वाले जो टनल्स हैं बहुत एंजॉय करते हैं, उन्हें मज़ा आता है देखने में, मुझे भी बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करती हूँ टनल में से जब गाड़ी जाती है तो मुझे अच्छा लगता है देखने में। खंडाला और लोनावाला का घाट एरिया है ये, बहुत मज़ेदार सी जर्नी है ये। चलिए गाइस, सफ़र का आनंद लेते हैं। कनेक्ट हो गया थाने बेलापुर रोड, यहाँ से बस लगभग आधा पौना घंटा लगता है मुंबई पहुँचने में। मुंबई टू लवासा की जो मेरी जर्नी रही गाइस, बहुत सुंदर और यादगार सा एक्सपीरियंस रहा है ये। तो सारी डिटेल्स मैंने अलग अलग वीडियोस बनाकर मेरे चैनल पर शेयर की है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से सारी वीडियोस चेक कर सकते हो। और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है और भी कई सारी ट्रैवलिंग की और कुकिंग वीडियोस की, वो भी आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पर हुई मेरी लवासा सीरीज पूरी, जल्द ही फिर मिलेंगे फिर किसी नए ट्रैवल वीडियो या कुकिंग वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिएगा मेरे चैनल फूडी विद कुक एंड ट्रैवल के साथ में, जल्द ही फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।